राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल क्यूट कानाची में। तो आज हम कुछ इस टाइप की ड्रेस बनाएंगे जिसको आप ठाकुर जी को या फिर राधा रानी जी को पहना सकते हो। तो ये जो ड्रेस है बहुत आसान है बनाने में, और प्लस जो है क्योंकि करवा चौथ आ रहा है या फिर किसी भी फेस्टिवल के लिए, क्योंकि राधा रानी जी के लिए हमें जो रेड ड्रेसेस चाहिए होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये वाली ड्रेस हमने डिज़ाइन की है। तो अगर राधा रानी जी की ड्रेस बना रहे हो तो आप विद दुपट्टा साथ में बनाइए तो बहुत प्यारी सी लुक देता है। तो आइए देर ना करते हुए फटाफट से इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है यहाँ पे ये वाला एम्ब्रॉयडरीड कपड़ा। तो इस कपड़े का मैं एक राउंड पीस जो है, राउंड कोई भी जिस भी साइज़ का आपको चाहिए उसी के साइज़ का इसके जो है कट कर लूँगी। देन अगर मैं कट कर लेती हूँ तो मैंने क्या करना है, उसके साथ का ही एक बुकरम का पीस कट कर सकते हो। अदरवाइज़ ये वाला जो फैब्रिक रहता है नीचे से कुछ इस टाइप का रहता है। तो अगर आप इसके नीचे क्लॉथ बैग लगाना चाहते हो, बुकरम लगाना चाहते हो, या जो सिंपल एक और कपड़ा लगाना चाहते हो कॉटन का, ताकि अपने जो ठाकुर जी को या राधा रानी जी को चुभे नहीं, तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। तो अभी आपने क्या करना है, जैसे ही मैंने राउंड कपड़ा कट करना है, साथ में बुकरम या फिर कोई भी कॉटन का फैब्रिक लेना है, उन दोनों के वो आपस में जॉइंट कर लेना है। जो भी साइज़ का बना रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस तरह से इसको जॉइंट कर लिया है, और यहाँ से एक्स्ट्रा मैंने जरा सा होल कट किया है। वो होल आपको किस तरह से कट करना है, आपको इस तरह से इसको डबल फोल्ड इस तरह से करना है, यहाँ से जो है कोन की शेप में, जो है गुलाई की शेप में आपको कट करना है। कट करने के बाद एक साइड से आपको यहाँ पे जो है कट लगाकर उसको अच्छे से मैंने कट कर लिया है, तो आपको भी इसी तरह से सेम प्रोसेस में करना है। अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पर आपको गोल्डन गोटा लेना है। तो जो गोल्डन गोटा है वो हम इस तरह का लेंगे और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे लगाएंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जो है इसको सबसे पहले बुकरम के साथ अटैच कर लिया था, यहाँ पे मैंने होल निकाल लिया था और यहाँ पे कट लगा लिया, जैसे कि मैंने आपको ए टू जेड बता दिया है। अभी मैंने क्या करना है, एक गोल्डन कलर का गोटा लिया है, उसको मैंने यहाँ पे हल्का सा फोल्ड करके कुछ इस टाइप से डबल फोल्ड करके मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना है। तो जैसे ही हम गोल्डन गोटा जो ले रहे हैं उसको मैंने कुछ इस तरह से लगाकर स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से ये जो गोल्डन गोटा है वो लग जाएगा। उसके बाद सेकंड साइड पे भी सेम प्रोसेस में मैंने गोल्डन गोटा लगा देना है। तो आप ये ऐसे कर सकते हो कि इधर से इसको एक ही साथ जॉइंट करके जो आप इसको लगा सकते हो। तो इस तरह से मैं दूसरी साइड पे भी जो फोल्ड करके इसको गोटा लगा लेती हूँ। और गोटा लगाने के बाद यहाँ पे हमने वेस्ट बेल्ट को ऐड करना है। तो वेस्ट बेल्ट को ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो ठाकुर जी का अगर साइज़ जो है वेस्ट बेल्ट से हल्का सा ढीला या जो है कस्टा हो, तो वो वेस्ट बेल्ट से सही हो जाता है। और ऐसे ही राधा रानी की ड्रेस में वेस्ट बेल्ट का होना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको प्रॉपर फिटिंग आ जाए। तो प्रॉपर फिटिंग आ जाने के लिए वेस्ट बेल्ट लगाई जाती है, अदरवाइज़ आप सिंपल चोली भी इसके साथ अटैच ऐसे कर सकते हो, तो वो उसका कारण यही रहता है। तो अभी मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, और अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक गोल्डन कलर की लेस, सीक्वेंस वर्क में है, और इस लेस को मैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये वाली जो लेस मैं अप्लाई कर देती हूँ राउंड शेप में ही, तो ये जैसे ही लेस लग जाएगी देन जो है ये वाली ड्रेस का बेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ पे हमने वेस्ट बेल्ट को ऐड करना है। तो इस तरह से घेरा रेडी होने के बाद एक यहाँ पे मैंने स्ट्रिप ले ली है, और उसका जो साइज़ है वो इसके अकॉर्डिंग हमने लेना है। और यहाँ से मैंने हल्का सा स्ट्रिप को फोल्ड किया, उल्टा रखना है, रिवर्सिबल साइड से रखकर मैंने जो है इसको कुछ इस तरह से स्टिच लगाना है। तो स्टिच लगाते टाइम मैं इसको जो है राउंड शेप में ही घुमा लूँगी, और इसका जो है धीरे से इस तरह से स्टिच लगा दूँगी। तो जैसे ही ये वाला जो स्टिच मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे को इसको नीचे वाली साइड में फोल्ड करके और इसके अंदर एक गोल्डन कलर की हैंगिंग जो है जिसको हम टाइट कर पाएँ, वो वाली डोरी या रिबन या फिर कुछ भी जो है आपको ऐड करके, गोटा कुछ भी आप डाल सकते हो, तो उसको ऐड करके आपने स्टिच लगा देना है। तो वो जो डोरी है वो फ्लेक्सिबल रहेगी और वो हिलती रहेगी, तो उसको हम जो है कम ज़्यादा टाइट वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखिए बैक साइड में कुछ इस तरह से जाएंगे, इसके बीच में हम डोरी ऐड करेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। तो जैसे ही ये वाला स्टिच लगाएंगे तो ये ड्रेस का जो बेस है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही ये मैंने डोरी वाला जो बैंड ऐड किया है, यहाँ पे मैंने लटकन वाली डोरी ऐड कर दी है, ये फ्लेक्सिबल जो है डोरी है, तो इसको हम जो है इस तरह से
टाइट कर सकते हैं। तो ये है हमारी ड्रेस का बेस, और इसके साथ ही हमने सिंपल सी चोली बना लेनी है कुछ इस तरह से। तो आप ये वाली जो चोली साथ में बना लीजिए, और एक बना लीजिए साथ में दुपट्टा। तो ये जो अगर आप दुपट्टा साथ में बनाते हो तो राधा रानी जी की पोशाक रेडी हो जाएगी, अगर आप दुपट्टा नहीं बनाते हो तो ठाकुर जी के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो कैसी लगी, होप्स हो कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।